नमस्कार, मैं रवि त्रिपाठी बाबा द स्कूल ऑफ म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम आज नए लेसन के साथ आए हैं। गुरुजी साथ में बैठे हुए हैं, हर रोज की तरह आज गुरुजी कुछ नया करने वाले हैं। तो गुरुजी प्रणाम। जैसा आपने बताया कि उठान के बारे में आज बात करेंगे, हाँ। तो जरा बताएं कि बनारसी उठान जो है उसकी प्रक्रिया क्या है। आज हम लोग उठान के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। एक्चुअली हम लोग को पहले करना था और फिर कादा ये लेना था, पर थोड़ा सा क्रम हम लोगों का आगे आ गया तो हम लोग फिर से पीछे जाके और फिर आगे आएंगे। तो हम लोगों के यहाँ जो बनारस की परंपरा है उसमें स्वतंत्र तबला वादन जो हम लोग बनारस में होता है उसमें सर्वप्रथम उठान का ही नंबर आता है। उठान के बाद फिर छंद है, फिर कायदा है, फिर और सब अलग अलग तबले की जो विधाएं हैं, तबले के जो और प्रकार हैं। तो आज हम लोग उठान के बारे में थोड़ी बात कर रहे हैं। तो उठान एक होता है स्वरचित उठान, जिसकी हम लोग पहले से जो रचना करके गए हैं बड़े लोग, या हम लोग उसको पहले से बांध देते हैं और याद कर लेते हैं, वो एक तो उठान वो हो गया कि पहले से हम लोग उसको बांधे हुए हैं, बनाए हैं, उसको बजाते हैं। और एक होता है उपज। तो हम लोग उपज का मतलब अपनी जो कलाकार की जो कल्पना है उसके हिसाब से बोलों का चयन। तो विशेष करके उठान में खुले एवं जोरदार बोलों का प्रयोग होता है और सभी कलाकारों का अपना अपना, जैसे हमने कहा, कई कल्पना शक्ति सबकी अलग अलग है, तो उस हिसाब से सभी लोग अपने अपने बोलों को उसमें च्वाइस के रूप में रखते हैं, अपनी पसंद के बोलों को, और लय भी उसी हिसाब से बराबर। मैंने सबसे पहले ठा की लय, फिर दुगुन की या सीधे आड़ की, और आड़ के बाद फिर चौगुन की, ऐसा एक देखने को हम लोगों को सुनने को मिलता है। हम लोगों को ये चलन परंपरा एक ये चली आ रही है। तो जो हम सबसे पहले आपको बता दें, एक बड़ा पारंपरिक उठान है और बहुत फेमस है, सभी कलाकार लोग, सभी लोग, स्टूडेंट लोग भी बजाते हैं, पर वो उठान है इसलिए हम उसको उठान के रूप में आपको पहले बता रहे हैं। और उसके बाद हम जो उपज वाली उठान है उसको भी बजा रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं जरा लहरा। कैपेसिटी है आपकी तो आप इसको दुगुन में बजा दीजिए, तुरंत आखिरी वाला धा बिना बजाए और फिर से शुरू हो जाके तो दुगुन में भी आ जाएगा।
तो वो तो अपने हाथ की तैयारी इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो उठान हमने बजाई, हम एक बार बोल भी दे रहे हैं उसको, देखिए धाते थे धाते थे धा धाते थे धाते थे धागे दिन दिन नाना तो अब ये हम तो बोले हैं, बजाए भी हैं, और हमें लगता है कि इसको नोटेशन करके भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इसको लिखकर पूरा, तो वो लिखित भी आपको प्राप्त हो जाएगा। वैसे तो हम बोले भी हैं, बजाए भी हैं, और आपको लिख के भी मिल जाएगा। तो ये मैंने क्या उसको कहते हैं रचना जो पहले से की हुई है उसका एक उठान ये हमने बजाया। और इसी तरह सॉरी बीच में बोल रहे हैं, हाँ, बहुत से लोगों का ऐसा भी क्वेश्चन होगा कि जैसे आपने बताया कि खुले बोलों का जो प्रयोग होता है, हाँ, तो बहुत से लोग हैं जो ऐसा सीख रहे हैं तबला, हाँ, उनको शायद खुले बोलों के बारे में जानकारी, तो कुछ खुले बोल खाली ऐसे ही बजा के बता देंगे क्या? हाँ, खुले बोल मतलब ता धा कधान, अब ये खुले बोलोगे ना, बंद बोलों में तकिट, अब ये बंद हो गए ना जी, अब खुले बोलों को धा कधा धागे खुले बोलोगे सर जी, जोरदार, इसमें वेट अधिक आता है जैसे जी, तो ये खुले बोलोगे, और खुले बोले में कैसा नहीं, खुले का मतलब जहाँ साउंड बंद हो जाएगा वो बंद हो जाएंगे, सीधी सी बात है, और बाकी तो सारे खुले बोल हैं। धा कधा खुला बोल एकदम हो गया, तो ये सारे बोल का समावेश उस उपज में होता है। कुछ ऐसे भी बोल हैं जिनको अगर बजा दिया जाए तो वो अच्छे नहीं लगेंगे उठान में? वो अच्छे क्या नहीं लगेंगे, उसका स्वरूप नहीं बनेगा उतना बढ़िया ना। तो अगर वैसे कुछ बोल हैं जो आपको लगता है कि नहीं, हम अगर कुछ उपज करते हैं, उपज करते समय हम उन बोलों का समावेश उस में नहीं करेंगे, हाँ, तो क्या बता देंगे? नहीं जैसे, हाँ क्यों नहीं, अब जैसे बहुत ज़्यादा गर्म लगे तकिट तीन बंद बोलों का प्रयोग करेंगे तो होगा क्या, सम पर तो आ जाएगा वो बंदिश, क्योंकि आपको लहरा मतलब याद है और लय दिख रही है, सम दिख रहा है, तो सम पर तो आ जाएगा, पर उसके स्वरूप में थोड़ी भिन्नता आ जाएगी, स्वरूप थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। संपर्क तो आ ही जाएगा क्योंकि आपको ताल दिख रही है, आप सकिट 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 बंद है, पर सकिट सकिट का प्रयोग ज़्यादा अगर आपने कर दिया तो वो बंद बोल हो गया। अब बोलों के साथ में बजाया है तो कहीं एक खास जगह लग जाएगा तो उससे मतलब नहीं है, अधिकतर बहुत ज़्यादा उसका प्रयोग, हाँ, तो ज़्यादा प्रयोग हो जाएगा तो फिर पता लगेगा कि वो बंद बोल ज़्यादा आ गए उसमें। तो ऐसा नहीं कि अब किसी बोल में मैंने तकिट नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है, किट तक नहीं लगेगा। अच्छा, ये जैसे अगर हम बात करें धागे 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 इस टाइप के बोल, हाँ, ये उठान में लगेंगे? नहीं, अब इसमें क्या है, धा तो खुला है जी, तो धागे खुला है, हाँ, तो ऐसा है कि धागे ना ना कते के तान, अब कते टे, हाँ, ये बंद हो गया ते ते, पर बाकी सब खुले हैं, हाँ, तो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर अधिकतर हम बंद बोलों को ज़्यादा बजाएंगे उसमें, हाँ, तो उसके स्वरूप में मज़ा नहीं आएगा, हाँ, सुनने में मज़ा नहीं आएगा, आकर्षण नहीं पैदा होगा वगैरह वगैरह, मतलब उसका स्वरूप ही चेंज हो जाएगा जी। तो अब हम मैंने उदाहरण कहने के लिए खूब ढीला अगर हम शर्ट बनवा लेंगे जी, तो वो कुर्ता नहीं कहेंगे उसको, नहीं, सही बात है।
कहने का मतलब है कि लोग कहेंगे कि भैया उसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, हाँ। तो बड़ा करने में भी कुर्ता नहीं आएगा, कुर्ते का जो स्वरूप है वो यहाँ तक बटन होगा, थोड़ा लूज होगा, तो कुर्ते का एक स्वरूप अलग है जी। तो ऐसा नहीं कि खाली उसमें हमने सारे बंद बोल डाल दिए या बहुत ज़्यादा कोशिश की कि एक भी बंद बोल ना हो, हाँ। ऐसा भी नहीं है जी। पर अधिकतम ओ उसमें हमने जो बताया अभी धाते टे धाते टे धाधाते टे कड़ा धाते टे, अब देखिए आप सारे बोल कैसे लग रहे हैं, हाँ। धाते टे धाते टे धाधाते टे कड़ा धाते टे धागे दिन दिन नालाते टे, अब टेटे आ रहा, ऐसा नहीं कि टेटे बंद नहीं है, हाँ। पर बेघाटो बीच में टेटे आ जाएगा, हाँ। तो क्योंकि उसको हम कैसे वो करेंगे, हमको बांधना भी है ना, हाँ। तो खाली धाधा 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 ऐसा तो करेंगे नहीं, क्योंकि उसका स्वरूप भी तैयार करना है, खूबसूरती भी आनी है उसके अंदर में, हाँ हाँ। और ताल में भी आना है, और बोलों का जो समावेश है, बोलों की जो मैंने क्या उसको बोलेंगे गुटबंदी है, बोलों का जो चलन है उसका जो, तो वो भी तो जरूरी है ना। ऐसे पद लेंगे ऐसे बोल लेंगे कि वो एक स्वरूप दिखाई दे, एक पट्टी ऐसे चार बोलों का, छह बोलों का, आठ बोलों का, ताकि हमारे ताल में भी वो बैठे, बैठे हाँ। है ना, और सुनने में भी बढ़िया लगे। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इनका बड़े लोगों ने वो किया है। तो अब ये तो हमने आपको बताया, और रवि जी उसमें लिख के भी आपको प्राप्त हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लग देंगे इसको, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हो गया आपका कि जो रचना पहले से की हुई है। अब हम एक उदाहरण के तौर पर, हालांकि ये भी हमने तो उसको बनाया है, हमने उसको बजाया है, पर इसी तरह उपज के बजाते बजाते ही एक उठान जो हम बजा रहे हैं अभी आपको बताने की, एक उदाहरण के तौर पर ऐसा स्वरूप होना चाहिए जो उपज में हम लोग उसको बजाएं। और उपज तभी संभव होगी जब आपको सम दिखाई देगा, ताल दिखाई देगी, आपको मालूम होगा कि हमको यहाँ खाली आ रहा है, यहाँ पर सम आ रहा है, यहाँ पाठी मात्रा आ रही है, तो लास्ट में हाथ तिहाई लेके सम पर आ जाए, मैंने ये कुछ सब कुछ संभव होगा तभी आप उपज बजा पाएंगे। और नहीं तो पता लगेगा सम निकल गया, तिहाई दो मात्रा बाद आई, तो वो काम तो होगा नहीं। तो उपज तो प्रारंभिक स्तर में तो जब तक ताल दिमाग में आपके नहीं चलेगी आप उपज कैसे बजाएंगे, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, लहरे के संग बजाने का जो अभ्यास है वो करना पड़ेगा, और इन सारे बोलों का भी अभ्यास करना पड़ेगा जो मौके पर आपको लगाने होंगे उसमें। और खाली ठामे ही नहीं, तो त्रिगुण में चौगुण में जैसी जो भी आपकी कैपेसिटी, आपका रियाज या आपका हाथ तैयार है, उसके अनुसार आप उस उठान को बजा सकते हैं। तो हम अभी हमने आपको जो स्वरचित मैंने पहले से रचना किया हुआ है वो अभी बजाया धाते थे, अब हम जो दूसरा से बोल दें क्या है, एक बार फिर से बोल दें उसको, हाँ बोल दो। उपज के तौर पर ऐसे ही बजा रहे हैं, देखिए कोई
वो नहीं, ये तो बज गया जी। अरे उपज वाली हम एक उदाहरण के तौर पर बजा के दिखा रहे हैं। जी जी तिहाई के रूप में बड़ा भी करेंगे। तौर पर जो अभी कुछ देर पहले उसका वो किया एक स्वरूप सिर्फ, तो उसको भी हम बजाते हैं और वो भी आप उसको याद कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। कौन सा सोचो चेतावला वाला इसके? अच्छा तो हमने एक उदाहरण के तौर पर बता दिया, पर वो चेतावला तो सन में भी बजाओगे। अच्छा ठीक, और छोटा सा भी है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, तो हम उसको बता रहे हैं सम से। ठीक, उदाहरण के तौर पर हमने इसको बजाया। इसको हम हाँ बोल लेंगे, हाँ इसको बोल भी दे रहे हैं। चले देता चले देता चले देता चले चले दाग चले कत चले दाग इन दाग कर दान दाग कत 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 दाग कर दान दाग। फिर से बोल देते हैं एक बार, ये आगे पीछे हो जा रहा ना बजाने में, साउंड सुनाई नहीं दे रहा था, फिर एक बार फिर से बोल दे रहे हैं। चले देता चले देता चले देता धीरे धीरे धाक 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 धाक। अब ये जो है एक इसी से मिलता जुलता, बस इसी के स्वरूप बिल्कुल हम कहते हैं, जैसे कि बहुत थोड़ा सा फर्क करके हम देखते हैं कोशिश करके। वो भी हमने ऐसा थोड़ा सा देखा था अभी,
तो उसको भी हम कोशिश करके देखते हैं, और वो भी आप लोगों के इसमें जो है वो लिख के अगर दे दिया जाएगा तो एक थोड़ा थोड़ा आप लोगों को भी उसमें मिल जाएगा। हम बोले तो हम बोल के देखते हैं थोड़ा सा जी, आप बताइए हम लिखें। मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा फर्क बीच में है, तो तिहाई का स्वरूप थोड़ा इसमें बदल गया है। गुरु जी बोल लेंगे? हाँ, हम एक बार इसको बोल भी देते हैं। ठीक है, एक बार और बोलना। था में बोल दीजिए। था में बोल दे क्या? हाँ एक बार था में बोल देते। हाँ था में बोल दे रहे हैं। ठीक है। ये हमने बताया है और इसका भी नोटेशन हम आपको कोशिश करके मिल जाएगा। एकदम ठीक है। तो दोनों ही है, और अभी हमने जो बताया कि ये एक दो तीन ये उठान जो है उसका एक प्रारूप एक उदाहरण के तौर पर हमने बताया। अब ये अपने आप की कैपेसिटी, हमने पहले ही कहा कि अपनी अपनी कल्पना है, और बृहद रूप हो सकता है, बड़ा हो सकता है, चार आवर्तन पांच आवर्तन उसको आप घुमा के अपने हिसाब से उसकी तिहाई लेके सम पर आइए। ये आपकी अपनी योग्यता, आपकी अपनी कैपेसिटी है, पर इन बोलों के साथ और इस तरीके से और भी हम लोग आगे इसका विस्तार अभी नेक्स्ट इसमें जरूर करेंगे। इसी में और हम आगे बताएंगे कि आड़ में भी कैसे होगा, चौगुन में भी कैसे होगा। स्वरूप यही रहता है, बस थोड़ा सा लय का ध्यान रखना होता है, और बोल तो करीब करीब उन्हीं से मिलते जुलते बोलों का प्रयोग होता है। खाली लय के ऊपर ध्यान देना है, हाथ तैयार होना चाहिए, सारी बातें हैं। तो अभी तो हमने आपको बताया उदाहरण के तौर पर, ये दो तीन जो हमने आपको उठान बताई इसका अभ्यास आप लोग करिए। किसी प्रकार की कोई शंका हो तो जरूर पूछिए। तो आज के हमें लगता है कि ये काफ़ी है इतना, और नेक्स्ट इसमें हम लोग पुनः हाँ और नोटेशन के लिए तो हाँ हम उसको लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप लोग का सहयोग बराबर मिलता रहे इसी तरह। तो हमें लग रहा है कि और भी हम लोगों को भी थोड़ा सा और आनंद आएगा,
और हम लोग और आगे आगे बढ़ते चलेंगे, देखते हैं भगवान कहाँ तक हम लोग को सफलता मिलती है हम लोगों को, और आप लोगों को भी इससे लाभ हो, सबको लाभ हो, और ये निरंतर आगे बढ़ता रहे। ठीक है, तो आज यहीं विराम देते हैं, नेक्स्ट इसमें पुनः आप सभी लोगों से भेंट होगी, और आप लोग ज़रूर इसको अटेंड करिए। नमस्कार। तो जैसा कि गुरुजी ने कहा कि आप लोग उसको प्रयास कीजिए, हम उसको डिस्कशन में लगा देंगे, आप देख लीजिएगा, और उपज ही होता है, आप भी अगर कर सकते हैं तो उससे कुछ और, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसी चीज़ों से और भी कुछ कर सकते हैं। अब ये तो उपज वाली बात है ना, इसमें जितने भी चीज़ें जो गुरु जी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग पहले से रियाज करके बैठते हैं या पहले से चीज़ों को समझ के बैठते हैं या बना के बैठते हैं, वो गुरु जी की बैठकी होती है और उसमें हम बैठ जाते हैं। तो वही होता है कि जब उपज निकलता है तो वो कठिन होता है कि हाँ सामने वाले के साथ चल पाना, जैसे कि हमको काफ़ी दिक्कत होगी। नहीं बिल्कुल होगी, क्योंकि अरे हमारे साथ भी कोई बजाएगा तो हमें क्या मालूम कि वो क्या सोच रहा है, मन में क्या कल्पना है, क्या हाँ, बजाएगा, वो तो किसी को तो वो कहाँ कोई बताए। उपज वाली बात है तो वो कभी भी एक हो सकता है, और उसको आप कीजिए। जब तक कुछ सेट नहीं होगा कैसे दो लोग साथ में बजाएंगे, उपज का मतलब हम पता नहीं क्या शब्द बोलने वाले हैं, क्या बजाने वाले हैं, कैसे, वो तो संभव नहीं है। एक आदमी अपनी उपज स्वतः कर पाएगा, उपज में दो आदमी कभी भी संभव ही नहीं है ना, वो तो संभव हाँ, नहीं उनका सबका अपना अपना उपज होता है। बिल्कुल, वो मालूम नहीं है ना कि तुम क्या बजाने, बोल तो एक जो निश्चित है, हमें मालूम है कि इसके बाद ये बोले, इसके बाद ये बोले, वहाँ तक तो ठीक है, पर जहाँ उपज की बात है, कल्पना के आधार पर बजाना है, वो तो हर एक व्यक्ति का अपना अपना अलग होगा कुछ न कुछ। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि तिहाई में हो सकता है भेंट हो जाए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, खैर बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेसन में। ठीक है।